नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज आपके सामने आज एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी है कि जैसे हम लोग जीवन में अपनी खोज को बंद कर देते हैं, कई बार हम लोग हार के, जीवन से हार के आराम से बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, हम अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, हम अपने जीवन में खोजना बंद कर देते हैं, ढूंढना बंद कर देते हैं। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है जो मुझे याद आई और अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। तो आज की वीडियो मेरी एक छोटी सी कहानी के साथ आपको मैं सुनाता हूं। दोस्तों, ये कहानी है, एक बहुत बड़े महात्मा थे, कोई बहुत पहुंचे हुए संत थे। वो अपने शिष्य के साथ अपने आश्रम में रहते थे। एक बार जब वो अपने आसन पर बैठे थे तो एक आदमी आया और उन्होंने साधु महाराज को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, क्या भगवान इस दुनिया में हैं? उनकी ये बात सुन के साधु महाराज ने कहा कि नहीं, भगवान इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुन के वो आदमी चला गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, उसने भी महात्मा जी को, साधु जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, क्या भगवान इस दुनिया में नहीं है? उनकी ये बात सुन के साधु महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान इस दुनिया में हैं। उनकी ये बात सुन के वो व्यक्ति भी चला गया। अब जो साधु जी का शिष्य था, संत का जो शिष्य था, उसको बड़ा असमंजस हुआ कि ये महाराज जी क्या कर रहे हैं, मैं तो इनको बहुत ज्ञानी समझता था, लेकिन ये किसी को सही जवाब दे ही नहीं रहे। इतने देर में एक तीसरा व्यक्ति आ गया, उसने भी महाराज जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, इस दुनिया में भगवान है कि नहीं है? तो उनकी ये बात सुन के उन संत ने कहा कि पता नहीं। उनकी ये बात सुन के वो व्यक्ति भी चला गया। अब तो जो साधु का शिष्य था, जो वो महात्मा का शिष्य था, उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि मैंने कैसे इंसान को अपना गुरु बना लिया कि जो किसी को भी सत्य ज्ञान नहीं करा रहा है, सत्य बात नहीं बता रहा है, जो भी कोई आके सवाल पूछता है ये उनका विपरीत जवाब देते हैं। तो जो उनका शिष्य था उसने कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं। तो साधु महाराज ने कहा कि हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हालांकि मुझे पता है कि तुमने क्या पूछना है, लेकिन फिर भी आप पूछो। उन्होंने कहा कि महाराज, जब पहला व्यक्ति आया उसने पूछा कि भगवान हैं, आपने कहा नहीं है। दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा कि भगवान नहीं है, आपने कह दिया कि भगवान है। तो ऐसा जवाब क्यों, आपने सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? तो साधु महाराज ने अपने शिष्य से जो कहा वो बात सुनने योग्य है। दोस्तों, उनका जवाब आज हमारे ऊपर, हमारी सारे जितने भी हम लोग अपने जीवन से हार जाते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये सवाल का जवाब होगा जो साधु महाराज ने अपने शिष्य को दिया। उन्होंने अपने शिष्य को बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि जो पहला व्यक्ति मेरे पास आया उसका आते सार ही सवाल था कि भगवान इस दुनिया में हैं, मतलब कि वो अपने मन में एक धारणा लेके, एक विचार लेके मेरे पास आया था कि भगवान इस दुनिया में हैं। अगर मैं उसको कह देता कि हाँ भी भगवान इस दुनिया में हैं, तो उसकी जो खोज थी वो वहीं पे रुक जानी थी, वो उसके आगे बढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि जो विचारधारा लेके वो मेरे पास आया था, अगर मैं उसकी विचारधारा का जवाब दे देता तो वो प्रसन्न हो जाता कि देखो, जो मैंने सोचा था, मैं कहता था भगवान है, तो महाराज जी ने भी कहा भगवान है, उसकी खोज वहीं बंद हो जाती। उसके विपरीत जो दूसरा व्यक्ति आया, वो अपने मन में धारणा बना के आया था कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसको कह दिया कि भगवान है, अब उसका मन विचलित होगा कि मैं तो सोच रहा था कि भगवान नहीं है, लेकिन साधु महाराज ने कह दिया कि भगवान है, अब वो जाएगा अपनी खोज में। उसी तरह तीसरा व्यक्ति जो आया, वो भी दुविधा में था कि भगवान है कि नहीं है,
हैं कि नहीं है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि पता नहीं। तो अगर मैं उनके विचारधारा का जवाब उनको दे देता तो उनकी खोज वहीं रुक जानी थी। उनकी खोज रुके ना, इसलिए मैंने जवाब उल्टे दिए कि वो उस विचारधारा दे के आया था कि भगवान है, मैंने कह दिया नहीं है। अब वो मुझे गर्त करने के लिए भगवान की खोज करेगा, भगवान को ढूंढेगा, और इस कोशिश में हो सकता है उसे भगवान मिल जाए। और जो दूसरा व्यक्ति आया, भगवान नहीं है, मैंने कहा कि भगवान है, अब वो भी अपनी विचारधारा को बदलेगा और हो सकता है उसकी बदली हुई विचारधारा उसे सही राह पे, सही मंजिल पे उसे ला के खड़ा कर दे। तो इसी तरह से दोस्तों, आज हमारी जो विचारधारा है, हम अपने घर से निकलते हैं, एक विचारधारा को ले कर निकलते हैं, हम सोचते हैं कि हमें वो सब कुछ मिल जाए जो हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार हमारी विचारधारा के विपरीत कार्य होते हैं। तो हमें उस परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए और अपने इन हाथों से कर्म करना चाहिए। अगर हम इन हाथों से अच्छे कर्म करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो हमारा समय खराब हो सकता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा, उसमें देर हो सकती है। उसी तरह हमें भी अपने मंजिल की तलाश करनी चाहिए। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें दिन रात एक करना चाहिए। एक विचारधारा को लेके कभी भी हमें अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जैसे ये दुनिया, ये सृष्टि बदलती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, दुख सुख में बदलते हैं, और सुख जो हैं वो भी स्थायी नहीं होते, वो भी अस्थायी होते हैं। हमारे सुख दुख में बदलते हैं, दुख हमारे सुख में बदलते हैं। ये जीवन का एक चक्र है जो दोस्तों चलता रहता है, जो कभी नहीं रुकता। अगर कुछ हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि हम अपने मन बुद्धि कर्म से हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हमारे कार्य, हमारे कर्म सही दिशा में होंगे तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा और बहुत ही उज्जवल होगा। तो ये दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी जो मैं आप लोगों के लिए दे के आया था। पोएट्री तो मैं सुनाता ही रहता हूँ, तो आज ये कहानी मैं आप लोगों के लिए दे के आया था। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये एक छोटी सी कहानी कैसी लगी। तो और एक निवेदन कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनसे विनती करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।